शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कह दिया ना तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से शादी करके तेरा घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। लेकिन विकी, आज तुझे हो क्या गया है? मुझे उस राक्षस की भनक पड़ गई है जो मेरी बहन को उठा ले गया था। उठा कर ले गया था? पर तूने तो कहा था कि वो... मैंने झूठ बोला था चांदनी, कि मेरी बहन सीता खो गई है। असलियत में एक गर्जू नाम का गुंडा उसे उठा कर ले, लेकिन कुछ ही दिन में मुझे मेरी बहन और बिरजू दोनों का पता चल जाएगा। हाँ चांदनी, और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा वो दिन बिरजू की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसे मार डालने के बाद या तो मुझे फांसी होगी या उम्र कैद। इसलिए तू मेरा ख्याल छोड़ दे और किसी और के साथ घर बसा ले। मुझे खुशी ही नहीं, दर्द होता अपने प्यार पर। अगर तूने ये कहा होता कि उम्र कैद हो जाए तो मैं उम्र भर तेरे इंतजार की आग में जलती रहूं, और अगर अगर तुझे फांसी हो जाए तो मैं तेरे नाम के सहारे विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजार दूं। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया चांदनी। फैसला? मेरे प्यार का गला घोट देने को फैसला कहते हो तुम? नहीं विकी नहीं, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं कभी तेरे रास्ते में दीवार नहीं बनूंगी। तू अपनी बहन का बदला तुझे से लेना, जरूर लेना। उठ साले, दाम के भाई सफोलिए, आज तेरे उस मन को कुचल डालूंगा जिसे मुझे बहुत पहले कुचल डालना चाहिए था। विजय, क्या हो गया तेरे को? कौन विजय? इन्हीं नामों के फेर ने तो तुझसे तेरी मौत को तुझसे दूर कर दिया, वरना इंतकाम की आग में तेरे पास रहकर भी आज तक झुलसता नहीं रहता। देख, आज तेरी मौत बनकर तेरे सामने बिरजू खड़ा है। बिरजू? यानी तुझे बगल में छुपाकर तेरी ही तलाश में मैं दर बदर भटकता रहा। कमीने, आस्तीन के सांप, क्या तू ही वो बिरजू है जिसने मेरी जिसने तेरे भाई की उस जहर भरी जबान को काट डाला, जिससे उसने मेरी देवी जैसी बहन पर कीचड़ उछाला था। इसीलिए मैंने दीनानाथ की बहन यानी कि तेरी बहन सीता को उठाकर बेहयाई की उस दलदल में फेंक दिया जहां से तू गया। आज तक अंधेरे में रहकर भी उसी चिराग को रोशन करता रहा जिसने मेरे ही घर में आग लगा रखी है। बोल बोल बोल, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन सीता कहाँ है? बोल। अब तेरी बहन सीता सीता नहीं रही, वो अब बंबई की मशहूर तवायफ सितारा बाई है। कुत्ते! लड़की की इज्जत आईने पर लगी उस चमक की तरह होती है, जिस पे हल किसी भी खराश आ जाए तो वह दाग बन जाती है, और तूने उस चमक को घुरेत के रख दिया। अब मैं तुझे इस दुनिया से घुरेत के रख। क्या खूब दोस्ती निभाई है तुमने,
अपनी दोस्त की जान ले ली तो तुम्हें अपनी जान समझता था? क्या रक्षा की अपनी बहन के सुहाग की? अगर भाई तुम्हारे जैसे होते हैं तो खुश नसीब है वो बहने जिनका कोई भाई नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हारी मुंह बोली बहन हूं ना। अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी बहन छाया होती तो क्या उसकी मार में भी सिंदूर की जगह उसके आने वाले पति का कौन करते थे? पर तू मुझ पर ये जुर्म मत कर विकी, मत कर। तुझे मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम, तुझे अपनी कसमों की जंजीरों में मुझे जकड़ने की कोशिश मत कर। मेरे अंदर जो इंतकाम की आग चल रही है उसे अपने आंखों से बुझाने की कोशिश मत कर। दफा हो यहां से। मैंने जो फैसला कर लिया वो बदल नहीं सकता। ठीक है, अगर तेरा यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन। तेरी जिंदगी रही तो मैं तेरी सुहागन बनकर रहूंगी, और अगर अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं तेरी विधवा बनकर जीऊंगी। तेरे होते हुए अगर तेरे सुहाग पर जरा सी भी आंच आ जाए और तुझे विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजारनी पड़े तो लानत है इस भाई पर। विजय तू नहीं जानता दोस्त, मैंने सब सुन लिया है विकी। तू मुझे मेरी बहन की खुशियां दे दे, मैं तुझे तेरी बहन ला दूंगा। मुझे कसम है मेरी बहन की। पिंजू के टुकड़े लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा, और तुझे कसम है तेरी बहन सीता की कि मेरी बहन के प्यार के टुकड़े मत कर। विजय तू इनकार नहीं करना दोस्त। तू मुझे अपनी जान समझता है ना, तो अपनी जान पर भरोसा रख। तेरी शादी चांदनी से होगी और बिरजू की मौत से। शादी में? मैं शादी में हरगिज नहीं नाचूंगी नारायण बाबू। सितारा तवायफ जरूर है, कोई कठपुतली नहीं जो सड़कों पर तमाशा करती फिरे। तो चलो सितारा भाई, इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शादी में बिरजू भी आने वाला है। बिरजू? फिर तो मैं जरूर नाचूंगी। तुम उसकी तरफ इशारा कर देना बस, फिर देखना। शादी चाहे किसी की भी हो, मेरे लिए खून की होली होगी। कहो क्या बात है? आज सीता के भाई की शादी है, सीता को बुलाओ ना। उसके पांव में लगी इस कोठे की मिट्टी को अपने आंसुओं से धोना चाहता हूं। मेरे प्राश्चित का वक्त आ गया है सौरभ भाई, मैं सीता को लेने आया हूं, बुलाओ ना उसे। लेकिन राजा वो तो मुजरा करने गई है। मुजरा? मैंने कहा था ना उसे नचाना नहीं। वो अपनी मर्जी से गई। खुदा जाने कौन सा मकसद पूरा करना था उसे कि लाख रोकने पर भी फिर की शादी पर नाचने चली गई। अपने भाई को जुदाई के आंसू पीने पर मजबूर करके कहां चली गई थी बहन? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मैं उसे तुम्हें अपनी बहन को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। हाँ भैया, तुम्हें मिलकर भी तुम्हें भैया ना कह सकूं। इन होटल से भैया कहने का हक छीन लिया, जिसने बहन को बहन से तवायफ बना दिया।
अच्छा कौन है वो? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है, यही है वो जालिम जिसने तुम्हारी बहन के पास इस शादी के पास उतारकर मंगरू बांध दिए, जिसने सीता को सितारा बाई बनाकर अय्याशों के इशारों पर नाचे वाले कठपुतली बना दिया भैया, यही है वो। देखिए तू तुझे नहीं दोस्त फिर जो दोस्त अब भी दोस्त कहता है जलील, दोस्ती को गुन लगी लकड़ी की तरह खोखला कर देने वाला दोस्त नहीं दुश्मन होता है, दोस्ती के नाम पर कलंक होता है, इसे कलंक को मिट देना बेहतर है। देखिए अरे मेरी बात सुन, जो कुछ मेरी बहन ने कहा वो सुनने के बाद कान फट जाते हैं और कुछ सुनने के लायक नहीं रहते नीच। देख मेरी बात सुन बेटी, देख हाथों में जो हाथ लड़की को उठाकर कोठे पर पहुंचाते हो वो हाथ उठने से पहले तोड़ते जाते हैं। मैं तेरी बात का जवाब दे सकता हूँ विकी, लेकिन मेरी बहन चांदनी को दी हुई कसम ने मेरे हाथ बांध दिए। बहन को? बहनों के पांव में घुंघरू बांधने वाले को ना तो किसी को बहन बनाने का हक है ना ही वचन देने का। आपकी जान काट डाली और सीता को उठाकर कोठे पर बिठा दिया। छोड़ दो, छोड़ दो भैया। अरे आप क्या समझा रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे सर पर खून समा रहे, हट जाओ हट जाओ। इसी तरह मेरे सर पर भी खून सवार था जब तेरे भाई ने भरी अदालत में मेरी मासूम बहन को जलील करके एक धंधे वाली साबित कर दिया था। उस वक्त मैं भी पागल हो गया था जब तेरे भाई ने मेरे बाप मेरी मां मेरी बहन की चिता पर आग लगाने को मजबूर कर दिया। पूछ अपने भाई से, पूछ अपने भाई से, पूछ। दूसरे के घर में आग लगाकर तमाशा देखने वाले के घर में जब आग लगती है तब कितनी तकलीफ होती है। मैं यही दिखाना चाहता था मेरे दोस्त, यही दिखाना चाहता था। सीता चांदनी को उठाकर ले गए, उन्हें बचा लो बेटा, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। उन्हें कहाँ ले गए होंगे? टैक्सी ड्राइवर ने 10 साल बंबई की सड़कों पर खाक छानी है, वो कुत्ता नारायण किस गली में होगा मैं जानता हूँ। चलो मेरे साथ। लंका है और कोई विभीषण नहीं है जो तुझे तो छुड़ाने वालों को मेरी लंका का रास्ता दिखा सके। चल यार, मेरा भाई तो रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे और स्टार के घर का दरवाजा भी दिखा देंगे तुझे। या किसी अनजाने का साया भी पड़े तो उसे मौत की काय में बदल दो। चल राज सीता को मेरे हाथ में कौन उठाएगा? यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। एक खाता जो तूने खोला था उसे आज मैं बंद किए देता हूँ। तूने मेरे कपड़े उतरवाए थे ना, अब देख मैं तेरा क्या हुआ। यह मैं करूंगा नारायण।
ये तो वही बिरजू आ गया है। चल इसका टाइम नहीं है, ले रस्सी पकड़, रस्सी पकड़ना। ए बंदर सारे, एक मिनट, गोली चलाने से पहले जरा उनकी हालत देख ले, जिनको तू बचाने आया है। इनके गले में बम लटक रहा है, उसका कंट्रोल तेरे बाप के हाथ में है। मेरी उंगली के एक इशारे से इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। शैतान का दूसरा नाम है जैकब। आज हम दोनों की दुश्मनी खत्म। पहले तेरी बलि चढ़ाऊंगा, फिर इन चीजों की। बंदूक फेंक दे। दाग लगाया है वो दाग मेरा खून ही धो सकता है।